वर्तमान में झांकी साकेत महाविद्यालय से निकल चुकी है। झांकी का स्वागत करने के लिए बाबरी मस्जिद के पूर्व पत्रकार इकबाल अंसारी भी लाइन में खड़े हुए हैं। इकबाल भाई, कैसा लग रहा है नगरी अयोध्या? देखिए, दिवाली का जो है, दिवाली का त्यौहार है और सारा समाज जो है, हमारे मोहल्ले का पूरा पंडा समाज है, पुरोहित समाज है, ये सारे लोग झांकी का स्वागत करने के लिए खड़े हैं और हम भी मोहल्ले के वासी हैं, हिंदू मुसलमानों का भाईचारा है, हम भी स्वागत करने के लिए तैयार हैं। अच्छा इकबाल भाई, 500 वर्ष बाद रामलला विराजमान हो चुके हैं। रामलला के विराजमान होने के बाद यह पहला दीपावली है, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, भगवान का सेवा तो सभी लोग करते हैं, हम भी करते रहे। 5 साल से जो है, 5 साल का दिन है तो जो है भगवान राम का जो है अस्तित्व जो है वो बहुत जमाने से है। आज जो है उनका मंदिर बन चुका है, उनका एक महल बन चुका है और महल में विराजमान है, अच्छी बात है, हम भी स्वागत करने के लिए। अच्छा, इस बार इकबाल भाई 2 विश्व रिकॉर्ड बनेंगे, सरयू की महाआरती भी होगी, 25 लाख दीपक जलाए जाएंगे, आपके मन में ये कैसे आया कि कुछ वर्षा इकबाल भाई करेंगे? देखिए, त्यौहार की खुशी सभी लोग मनाते हैं, त्यौहार की खुशियों में भाईचारा भी होना चाहिए। जो भाईचारा अगर बना रहता है तो एक दूसरे के जो है त्यौहारों में लोग सम्मिलित है, हम भी खुश है, हमारे मोहल्ले के लोग यहाँ पुरोहित समाज जो है अपना स्टेट लगाए हुए है और रोहित समाज जो है अपना स्टेट लगाए हुए है और उसी समाज के हम भी हैं, क्योंकि मोहल्ले, हम मोहल्ले के वासी हैं, मोहल्ले में भाईचारा है और हिंदू धर्म की झांकियां जो है निकल रही हैं उसमें भी हम सम्मिलित, सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं, इसलिए हम भी स्वागत करने के लिए तैयार हैं। कैसा लग रहा है, दीपक भी जलाएंगे रामलला के नाम से? भाई, दीपक तो जलता ही रहता है, हम भी जलाएंगे, कोई जलाने में जो है दीपक जलाने में कोई बुराई नहीं है। आज आपने पुष्प की वर्षा की है, कैसे देख रहे हैं, क्या था? देखिए, अच्छा काम है, ये दिवाली का दिन है और दिवाली खुशियाँ बनाना सबका काम है, क्योंकि त्योहारों में हिंदू और मुसलमान में परिवार में भाईचारा जो है इससे बनता है। जब दिवाली से त्यौहार आता है तो इसी में भाईचारा भी बनता है। तो हम लोग अयोध्यावासी हैं, हिंदू मुस्लिम एक समाज को जोड़ने के लिए सभी के त्योहारों में खुशियाँ मनाते हैं। ये चाहते हैं कि अगर त्यौहार में खुशियाँ मनाई जाए तो एक हिंदू मुसलमानों के ताल्लुकात बेहतर रहते हैं। हर त्यौहार में लोगों को सम्मिलित होना चाहिए, सभी लोग एक दूसरे धर्मों का सम्मान करें जैसे हम करते हैं। इकबाल भाई, आज रामलला विराजमान हो चुके हैं, लेकिन आज के पहले जब मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया था तो आप बाबरी मस्जिद के लिए लड़ाई भी लड़ते थे, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, आज मन में कैसे आया कि पुष्प वर्षा करनी चाहिए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2019 में आया है, पूरे देश के मुसलमानों ने कोर्ट का सम्मान किया, सारे सिक्के के लिए सब उसी वक्त खत्म हो गए, ना कोई मुकदमा है, ना है ना कोई बात है, अब सारी चीजें समाप्त हो चुकी हैं, मुकदमे के संबंधित सारी चीजें समाप्त है, आज हिंदू और मुसलमान में भाईचारा है। दीपावली रामलला मना रहे हैं 500 वर्ष बाद अपने भव्य मंदिर में, तो क्या इकबाल भाई भी मनाएंगे? देखिए, दिवाली हम भी मना रहे हैं और मनाएंगे। ये थे हमारे साथ बाबरी मस्जिद के पूर्व पत्रकार इकबाल अंसारी, जिनका साफ कहना है कि 500 वर्ष बाद रामलला विराजमान हो चुके हैं तो इस बार की दीपावली हम भी मनाएंगे, अपने घरों को दीपकों से हम भी रोशन करेंगे। अयोध्या से न्यूज 18 के लिए सर्वेश श्रीवास्तव।